नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक व्हाट्सअप नंबर दो फोन में कैसे चला सकते हैं। बहुत इजी एंड सिंपल तरीका है। देखिए, ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, इसमें व्हाट्सअप अकाउंट जो है लॉगिन है। मैं इस व्हाट्सअप अकाउंट को मेरा जो अनदर फ़ोन है उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों डिवाइस में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो अनदर डिवाइस है उसमें से प्ले स्टोर से आपको व्हाट्सअप को डाउनलोड कर लेना है, ऑफिशियल जो ऐप से है। ओके, इसे डाउनलोड करने के बाद आप जो है इससे व्हाट्सअप को ओपन करें। ओके, ओपन करने के बाद इसे कंटिन्यू इंग्लिश करके, ओके, फिर जो भी परमिशन टर्म एंड कंडीशन को एग्री करे, ओके, अलाउ करे, ओके, फिर यहाँ पर देखिए थ्री जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर आपको टैप कर लेना है, ओके, थ्री डॉट पर, ओके, फिर देखिए लिंक एक कंपनियन डिवाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेंगे आपको, इस ऑप्शन को आपको टैप कर लेना है। ओके, टैप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एक क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेंगे, फिर जो आपका जो प्राइमरी डिवाइस है उसमें आपको व्हाट्सअप को ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद सेम टू आप जो थ्री जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर आप टैप कर लेंगे। ओके, टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक डिवाइसेस, ओके, इस ऑप्शन को आपको टैप कर लेना है। ओके, लिंक डिवाइसेस, ओके, फिर कंटिन्यू करें, ओके, आई एग्री पर टैप करें। ओके, ओके, लिंक डिवाइसेस कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, ओके, इसे ओके करें, फिर आपके फ़ोन में पिन पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट जो भी है आप उसे इंटर करें। इंटर करने के बाद कैमरा का अगर कोई परमिशन चाहे तो उसे अलाउ करें। फिर देखिए आपका जो कैमरा ओपन हो जाएंगे, आपका जो अनदर डिवाइस है उसमें जो क्यूआर कोड शो कर रहा है इसको आपको कैमरा के सामने लाना होगा, तो ऑटोमेटिक जो है एक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा जो अनदर डिवाइस है उसमें जो है व्हाट्सअप चैट आ रहा है। ओके, वेट करें, देखिए यहाँ पर एक एंड्रॉइड 13 एक्टिव शो कर रहा है, मतलब मेरे अनदर जो फ़ोन है उसमें भी मेरा जो व्हाट्सअप अकाउंट लॉगिन हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चार्ट है आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए सेम टू सेम मेरा जो प्राइमरी डिवाइस का जो व्हाट्सअप अकाउंट है, मेरा जो अनदर फ़ोन है उसमें भी सेम टू सेम चार्ट ट्रांसफ़र हो गया है। मैं आप जो है दोनों फ़ोन में एक नंबर को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप अनदर फ़ोन में व्हाट्सअप को लॉगआउट करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पर टैप करें, फिर सेटिंग पर टैप करें, फिर अकाउंट पर आए। ओके, अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगआउट या से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो प्राइमरी डिवाइस है, ओके, प्राइमरी जो डिवाइस है उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर आप टैप करें। ओके, अगर आपके अनदर फोन से व्हाट्सएप को लॉगआउट करना चाहते हैं फिर यहाँ पर देखिए लिंक या डिवाइसेस यहाँ पर टैप करें, फिर देखिए एंड्रॉइड 13 एक्टिव आपका पेयरिंग डिवाइस यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर टैप करें। ओके, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप लॉगआउट कर सकते हैं। देखिए मेरा जो अनदर डिवाइस है वहाँ से व्हाट्सएप लॉगआउट हो गया है, मुझे दोबारा इसे यूज़ करने के लिए फिर से दोबारा मुझे प्यार करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप एक व्हाट्सएप नंबर दो फोन में चला सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।